जो पीछे वाला वीडियो था उससे संबंधित दो चार क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन, अगर आपको पीछे वाला वीडियो समझ आया है तो आप इन क्वेश्चनों के आंसर दे पाएंगे। पहला क्वेश्चन ये है कि मान लो कोई पांच गोल हैं जो इस प्रकार सस्पेंडेड है, बंधी हुई है किसी रस्सी से। गोल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, पांच गोल है। दो और तीन और चार और पांच, यानी ये दो और तीन एक दूसरे को रिपल्स करती है, चार और पांच भी एक दूसरे को रिपल कर रही है, रिपल्सिव फोर्स। और एक और दो, एक और चार और दो और चार ये अट्रैक्ट कर रही है, अट्रैक्शन फोर्स है। क्वेश्चन ये है कि बॉल वन, कैसी होगी, यानी बॉल वन पे कैसा चार्ज होगा, क्या इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा या इस पे नेगेटिव चार्ज होगा या ये न्यूट्रल होगी। कौन सा सही आंसर मैच करेगा, वीडियो को पॉज कीजिए, सोल्व करने की कोशिश कीजिए, नहीं सोल्व हो रहा तो ध्यान से देखें। हमने कहा था कि जो आवेश है उसकी पहचान होती है रिपल्शन फोर्स से, प्रतिकर्षण ही उसकी जानकारी देता है। तो इसका मतलब दो और तीन, चार और पांच, ये चारों बोल तो आवेशित तो है, अब इन पे कैसा चार्ज है। दो और तीन रिपल्सिव कर रही है तो इन दोनों पर कैसा चार्ज होगा, दो और तीन पर इन दोनों पे सेम चार्ज होगा, या तो यहां प्लस प्लस होगा या फिर यहां पर माइनस माइनस होगा, या तो प्लस प्लस होगा या फिर माइनस माइनस होगा। चार और पांच ये दोनों भी क्या कर रही है, रिपल कर रही है, तो इस पे भी या तो प्लस प्लस होगा या फिर माइनस माइनस होगा, दोनों पे सेम चार्ज होगा। इधर देखो, एक दो, एक चार, दो और चार ये अट्रैक्ट कर रही है, तो दो और चार को देखो, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्शन करनी चाहिए, तो जब इस पे प्लस मानेंगे तो इस पे माइनस मानना पड़ेगा, या इस पे माइनस माने तो इस पर प्लस मानना पड़ेगा। तो मान लिया इस पे प्लस है, इस पे प्लस है तो इस पे क्या होगा माइनस, तो इस पर भी क्या होगा माइनस, तभी तो ये रिपल करेगी दूसरे को। दोनों पे चार्ज भी अपोजिट होना चाहिए ठीक, और ये आपस में रिपल भी करनी चाहिए, तो ये सेटिस्फाई हो रहा है। अब इस पे आते हैं, पहली और दूसरी इन दोनों के बीच कैसा फोर्स होना चाहिए, अट्रैक्शन फोर्स, ये तो तभी होगा जब इस पे माइनस हो। एक और चार इन दोनों पे भी कैसा फोर्स है, अट्रैक्शन, तो ये माइनस है तो ये इस पे भी माइनस है तो ये तो रिपल करने लगे, इसके हिसाब से देखें तो इस पे क्या होना चाहिए प्लस, तो ये तो गड़बड़ हो गई, इसके हिसाब से देखें तो माइनस, इसके हिसाब से देखें तो प्लस। तो ये दोनों कंडीशन कि ये दो वाली बॉडी से अट्रैक्ट करे और चार वाली भी अट्रैक्ट करे, ये तभी पॉसिबल है जब ये बॉडी कैसी हो, न्यूट्रल, क्योंकि हमने पढ़ा है न्यूट्रल बॉडी जो होती है वो आवेशित बॉडी से अट्रैक्ट होती है, तो इसका आंसर क्या होगा, न्यूट्रल। अब ऐसा ही एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ये है कि मान लो ये तीन बॉडी है ए बी और सी, इनमें से कोई भी दो बॉडी, कोई भी दो गोले या दो वस्तु पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है और इन पे फोर्स दिखाया हुआ है, मान लो इस पे फोर्स ऐसा है,
कोई दो वस्तु पॉजिटिव चार्ज, तो ए मस्ट बी, ए क्या होनी चाहिए, नेगेटिव पॉजिटिव या न्यूट्रल? दो वस्तु पॉजिटिव है तो जो दो पॉजिटिव है उनमें क्या लगेगा, रिपल्सन, तो बी और सी में रिपल्सन लग रहा है। देखो ये दूर जा रही है एक दूसरे से, ये तो पास आ रही है, ए पास आ रहा है बी के, बी पास आ रहा है ए के, ए पास आ रहा है सी के, सी पास जा रहा है ए के, लेकिन ये वाली दोनों पे एरो के निशान अपोजिट है, दूर दूर होती जा रही है तो प्रतिकर्षण है, तो बी और सी दोनों पॉजिटिव है। ए वस्तु इनमें से ये सारे बॉडी चार्ज है, क्वेश्चन में ये कहा गया कि ऑल बॉडीज आर चार्ज, तो आपको ये बताना है ए नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, तो ये अट्रैक्शन कर रही है और ये भी क्या कर रही है, अट्रैक्शन कर रही है, ये दोनों पॉजिटिव इस सेंटेंस से हो चुके पहले ही, तो ए क्या हो जाएगी, नेगेटिव। ए पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। मान लो मैंने कहा कि कोई बॉडी है, ये मान लो बॉडी है, ये चार्ज है, ये कोई चार्ज बॉडी है, जब मैं इसे ग्राउंड से कनेक्ट करता हूं, जब इसे ग्राउंड से कनेक्ट करता हूं तो इलेक्ट्रॉन इस भूमि से, ग्राउंड से इस वस्तु की ओर जाने लगते हैं, तो आपको ये बताना है कि ये वाली वस्तु पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है, इसे न्यूट्रल करना चाहिए। ध्यान से देखो, ये इलेक्ट्रॉन ले रही है, अगर वस्तु इलेक्ट्रॉन ले रही है तो इसका मतलब इस पे नेगेटिव चार्ज जा रहा है, तो पहले से क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव, तो ये पहले पॉजिटिव थी, जैसे जैसे ये नेगेटिव लेगी तो इस पे नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, पॉजिटिव वाला घटता जाएगा और ये न्यूट्रल हो जाएगी, क्योंकि ग्राउंड का काम है बॉडी को न्यूट्रल करना। अगर ये प्लस है इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, और जब इलेक्ट्रॉन की कमी वाली वस्तु को ग्राउंड से कनेक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन लेती है, इसलिए ये वाली वस्तु कैसी होगी, पॉजिटिव चार्ज होगी, इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, मान लो यहां से कोई इलेक्ट्रॉन फेंका गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर फेंका गया, यहां रफ्तार है वी नोट, यहां पास में आते ही रफ्तार कितनी है, वी वन, ये कोई चालक सतह है, ये कोई चालक की सतह है, यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया A1 है और यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया A नोड है, A1 का मान यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया A नोड से कम है, तो आपको बताना ये है कि V नोड और V1 में कैसा रिलेशन होगा, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते इलेक्ट्रॉन का वेग बढ़ेगा या घटेगा, तो जब इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो प्रेरण द्वारा आवेश प्रेरित होगा, ये चालक है, जब इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो इस वाले जो ये क्रॉस सेक्शन एरिया है इसका, ये वाला, इस क्रॉस सेक्शन एरिया के पास कौन से चार्ज आ जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि प्रेरण के कारण अपोजिट चार्ज आता है, जब इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचेगा इस पे पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन खुद नेगेटिव, तो जब ये इसमें प्रवेश कर रहा होगा, प्रवेश करने के बाद नहीं, जब ये प्रवेश कर रहा होगा उस समय इसकी वेलोसिटी अट्रैक्शन फोर्स के कारण बढ़ जाएगी, तो वी वन का मान वी नोट से ज्यादा होगा। ये क्वेश्चन थे जो पिछले वाला वीडियो था उससे रिलेटेड, अगर वो सही से समझ में आया है तो आप ये चारों क्वेश्चन कर सकते हैं।